हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे RDBMS के कंसेप्ट की। तो RDBMS जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये डेटाबेस का एक पार्ट हो गया, एक मॉडल। तो इसके क्या क्या कंसेप्ट हैं, कीज़ क्या होती हैं, टपल्स क्या होते हैं, टेबल्स क्या होती हैं, ये सब आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS, तो ये जो EF कोड के द्वारा एक रिलेशनल मॉडल दिया गया था उस पे बेस है। और इस मॉडल में इसको रिलेशनल इसलिए बोला गया है कि रिलेशनल मींस एक टेबल की फॉर्म में। तो जो भी डेटा होता है इस मॉडल में वो एक टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल मींस जिसमें रोज़ और कॉलम्स होंगे। तो जो डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है इसमें वो एक रिलेशन है, जो टेबल। तो इसलिए इस प्रकार के जो मॉडल को और इस जो इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला गया। तो जो RDBMS है वो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के काम में आता है। और जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उस वो क्या होता है, एक कलेक्शन होता है किसका, ऑर्गेनाइज सेट ऑफ टेबल्स का। तो जो टेबल्स हैं और वो टेबल्स किससे बनी होती है, रोज़ और कॉलम से मिलकर बनी होती हैं। तो सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो ऐसा डेटाबेस जिसमें डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, टेबुलर फॉर्म मतलब एक रोज़ और कॉलम की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ऐसा डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस कहा जाएगा। और उस रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम है उसको RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाएगा। तो इसके बाद आता है टेबल, कि टेबल क्या होता है। तो टेबल रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का एक पार्ट है। तो टेबल क्या है, एक कलेक्शन है डेटा एलिमेंट्स का। तो डेटा एलिमेंट्स को जब रोज़ और कॉलम में ऑर्गेनाइज किया जाता है तो एक टेबल की स्ट्रक्चर बनती है। तो आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक एम्प्लॉय टेबल है। तो ये एक एम्प्लॉय टेबल हो गई। तो ये क्या कर रही है, एम्प्लॉय टेबल जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होंगे उनके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ऐसे स्टोर कर रही है। तो ये एम्प्लॉय टेबल हो गई। तो इस टेबल का नाम क्या आ गया, एम्प्लॉय। अब इस टेबल में एक आईडी है, एक नेम है, एज है, सैलरी है। तो ये क्या है, तो टेबल के जो कॉलम होते हैं ये सब क्या हो गए, कॉलम, नेम, आईडी, एज, सैलरी, ये कॉलम है इनको। तो ये कॉलम जो है इसकी इस टेबल की प्रॉपर्टी भी हो गई। तो जो आईडी, नेम, एज, सैलरी है वो इस एम्प्लॉय टेबल की प्रॉपर्टी हो गई। फिर जो डेटा है वो रोज़ में स्टोर किया गया है। तो कैसे, जो एम्प्लॉय जिसकी आईडी 1 है उसका नेम एडम, उसकी एज 34 और उसकी सैलरी 13,000। तो ये एडम का जो एम्प्लॉय है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रो 1 में हो गई। सेम सेकंड जो एम्प्लॉय ID 2 है जिसका नेम एलेक्स है, एज 28 है, सैलरी, वो रो 2 में इन्फॉर्मेशन। तो अर्थात जो इन्फॉर्मेशन अब स्टोर कर रहे हैं वो रोज़ में स्टोर कर रहे हैं। तो जो रोज़ होती है उसको ये एक तो रो हो गई, उसके अलावा इसको टपल भी बोला जाता है, रिकॉर्ड भी बोला जाता है। तो अगर तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक रिकॉर्ड हो गया, केवल एक सिंगल रिकॉर्ड, ये एक रो एक सिंगल रिकॉर्ड हो गई, ये एक सिंगल रिकॉर्ड हो गया, ये एक सिंगल रिकॉर्ड हो गया, ये एक सिंगल रिकॉर्ड हो गया। फिर जो तो इस टेबल में 4 तो कॉलम हो गए, कौन कौन से, आईडी, नेम, एज, सैलरी, और 4 ही रो हैं इसमें। जो चार रो का मतलब क्या है, इसमें 4 एम्प्लॉयज़ के इंफॉर्मेशन स्टोर है। और वो एम्प्लॉयज़ एडम है, एलेक्स है, स्टुअर्ट है, रॉस है। तो इनकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस टेबल में स्टोर है। तो ये एम्प्लॉय टेबल हो गई जो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर रखने के काम में आ रहा है। ये टेबल इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो डेटा है वो रो और कॉलम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज है। तो सेम तो टपल क्या होता है, तो जैसे अभी बताया जो टेबल में जो रो होती है वो एक टपल हो गया। तो पिछले वाले टेबल में जो देखो तो ये एक टपल हो गया, ये एक टपल हो गया। तो इसलिए एक एग्जांपल लिया है, जो पहला जो एम्प्लॉय ID 1 जो एडम नेम का 34 और उसकी सैलरी 13,000 पहली वाली रो, ये तो ये एक
एक टपल हो गया, ऐसे इसमें कितने टपल हैं टोटल, चार। तो रो को टपल भी बोला जाता है और रिकॉर्ड भी बोला जाता है। तो जो मेन ध्यान रखने की चीज़ें हैं यहाँ पे यही है कि जो टेबल है, टेबल के में जो भी रॉ होंगी रो, उनको रिकॉर्ड और टपल भी बोला जाता है। फिर इसके बाद आता है एट्रीब्यूट। तो कॉल टेबल के जितने भी कॉलम होंगे वो उस टेबल के लिए, उसके टेबल के एट्रीब्यूट हो गए और प्रॉपर्टीज़ हो गए। तो पिछले इस वाली टेबल में, एम्प्लॉय वाले टेबल में, दो इसके जो प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट कौन कौन से हो गए, आईडी, नेम, एज, सैलरी। तो ये चारों इसके प्रॉपर्टी भी हो गई, एट्रीब्यूट भी हो गए। तो टेबल जिसमें कई सारे रिकॉर्ड्स स्टोर होंगे उनको रॉस बोला गया है। तो ईच रिकॉर्ड को अपन कुछ सरल छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, एट्रीब्यूट हो गए। अर्थात सीधे शब्दों में बोला जाए तो टेबल के जितने भी कॉलम्स होंगे वो उसको टेबल के एट्रीब्यूट बोला जाएगा। तो पिछले टेबल में जैसे बताया चार उसके एट्रीब्यूट हो जाएंगे, आईडी, नेम, एज एंड सैलरी। इसके बाद आता है रिलेशनल स्कीमा। स्कीमा बेसिकली आपको रिलेशन के बारे में बता रहा है कि किस तरह का रिलेशन है। मींस जितनी भी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर रिलेशन के बारे में है वो उसका स्कीमा बताता है कि अब रिलेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है। रिलेशन मतलब टेबल, कि उसमें कौन कौन से आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, वो किस टाइप के एट्रीब्यूट हैं, मतलब किस प्रकार का डेटा उसमें स्टोर हो सकता है। तो ये सब जो पार्ट है वो रिलेशनल स्कीमा बताता है। जैसे सपोज़ ये एक रिलेशन हो गया एम्प्लॉय नाम का, अब इसके एट्रीब्यूट हो गया आईडी, नेम, एज और सैलरी। तो आप रिलेशन स्कीमा बताएगा कि एम्प्लॉय टेबल है जिसके चार एट्रीब्यूट हैं। फिर उसके बाद आप उसमें किस टाइप का डेटा आप स्टोर करो, कि आईडी जो है वो कैसा डेटा रखता है। हो सकता है आईडी पे एक चेक लगा दिया कि आईडी केवल इंटीजर टाइप का डेटा रख रहा है, नंबर न्यूमेरिक रख रहा है। तो वो तो आईडी के आपने टाइप लगा दिया न्यूमेरिक। तो ये जितन तो इसका अर्थात क्या है, आईडी जो कॉलम है इसमें जो भी डेटा आएगा वो केवल नंबर से आ सकते हैं। सेम आप ऐसे एज पे लगा सकते हो कि और ओनली नंबर्स यू कैन एंटर, सैलरी पे भी नंबर्स हो सकते हैं, नेम पे केवल अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, नंबर नहीं हो सकते। तो ऐसे जितने भी टाइप्स हैं कि आप हर एक कॉलम का टाइप दे दिया आपने, ये इंटीजर हो गया, ये कैरेक्टर एक हो गया, ये ए भी इंटीजर हो गया, सैलरी को डबल में मान लिया। तो ऐसे जितने भी आप उसके टाइप स्पेसिफाई कर रहे हो एट्रीब्यूट के, तो ये सब जो भी मेंशन होता है ये सब किस में होता है, स्कीमा में। तो रिलेशनल स्कीमा क्या हो गया, रिलेशनल स्कीमा उस रिलेशन के स्ट्रक्चर को बताता है। जैसे भी उसका नाम क्या रिलेशन का, नेम ऑफ द टेबल, उसके एट्रीब्यूट क्या क्या हैं उनके, और एट्रीब्यूट के नाम क्या क्या हैं और एट्रीब्यूट किस टाइप के हैं। फिर उसके बाद आता है रिलेशन की। तो की रिलेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो की क्या हो गया, बेसिकली जो की का जो काम है मेन, वो है उस रिलेशन में किसी एक रिकॉर्ड को या रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आता है। यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब एक उसकी पर्टिकुलर की केवल उस एट्रीब्यूट से मैं उस पूरे टेबल में उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे सीधे पहुंच सकूं। तो एक रिलेशन की क्या है, एक एट्रीब्यूट है या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट भी हो जाएगा, विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर रो और इन ए रिलेशनल टेबल। एग्जाम्पल के लिए अपन ये बता रहे हैं, तो अगर इसमें की है तो अगर आपसे बोला जाए कि उस रो पे जाइए जो इसकी आईडी 2 है, तो जिसकी आईडी 2, तो आप डायरेक्ट इस वाले रो पे चले जाएंगे। उस रो पे जाइए जिसकी एम्प्लॉय आईडी 4 है, तो आप इस वाले रो पे चले जाएंगे। तो इस केस में आईडी जो है, ये जो आईडी जो एट्रीब्यूट है, कॉलम है, ये एज ए की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसकी पर्टिकुलर जो वैल्यू से हम एक पर्टिकुलर रो पे जा सकते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि क्या नेम को कॉलम नेम को एक आईडी की बना सकते हैं। तो नेम इस केस में, वैसे तो इस केस में नेम रिपीट नहीं हो रहा, तो इस केस में तो बन सकता है, लेकिन नेम के चांसेस हैं कि रिपीट हो। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या सेम नाम के दो एम्प्लॉय हो सकते हैं, हो सकते हैं। हो सकता है कि इसके अलावा पांचवा एक रो हो जिसका नाम रॉस हो, एक एम्प्लॉय है जिसका नाम रॉस हो। अब इस केस में रॉस दो हो गए,
तो अगर इस केस में बोला जाए कि उस कॉल उस पर्टिकुलर रो पे जाइए जिसमें एम्प्लॉय का नाम रॉस है, तो आप केवल एक रो चूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस वाले रो में भी एम्प्लॉय का नाम रॉस है और नीचे वाले रो में भी एम्प्लॉय का नाम रॉस होगा। तो लेकिन आईडी जो है वो यूनिक होती है, हर एक की एम्प्लॉय आईडी यूनिक होगी। तो अगर इसको 4 दिया है तो नीचे वाली की एम्प्लॉय आईडी 5 हो गई। तो आईडी के द्वारा आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। मैं फिर बोलूँगा कि एम्प्लॉय आईडी 5 पे जाओ तो आप नीचे वाले रॉस पे जाओगे और एम्प्लॉय आईडी 4 मतलब ऊपर वाले रो पे। तो आईडी के द्वारा उस पर्टिकुलर रो को उस टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो की जो एट्रीब्यूट होता है उसका मेन मकसद यही होता है कि एक पर्टिकुलर जो टेबल है उसमें मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू की मदद से, की वैल्यू की मदद से एक पर्टिकुलर रो में जा सकूं, मतलब उसका डेटा मैं फेच कर सकूं। तो ये की क्या है? तो की या तो एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है कि या फिर मल्टीपल। कई बार ये होता है कि एक पर्टिकुलर कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं वो उस टेबल में एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। उस केस में हो सकता है कि दो कॉलम को मर्ज करके की बनाई जाए, तीन को करके मर्ज के लिए बना जाए, ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो की जो है एक्सेस नहीं जरूरी कि केवल एक ही कॉलम से बनेगी, वो एक कॉलम से भी मिलके बन सकती है या फिर कई सारे मल्टीपल कॉलम की मर्ज करके भी एक की बना सकता है। तो इसलिए जो की है वो एक एट्रीब्यूट हो गया जो एक रिलेशन या टेबल में किसी पर्टिकुलर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। फिर इसके बाद आता है रिलेशनल के इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो हर एक रिलेशन में के कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं। वो ये बताते हैं कि अगर वो रिलेशन उन कंस्ट्रेंट को फुलफिल करता है तो वो एक रिलेशन वैलिड रिलेशन है, और अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो वो रिलेशन इनवैलिड है। उसमें जो डेटा है वो प्रॉपर डेटाबेस को रूल्स को मद्देनजर रखते हुए नहीं स्टोर किया गया। तो कंस्ट्रेंट जो चेक हो गए, तो रिलेशन की जो इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए कुछ कंस्ट्रेंट दिए हैं। तो तीन कंस्ट्रेंट हैं। पहला है की कंस्ट्रेंट, उसके बाद है डोमेन कंस्ट्रेंट, फिर तीसरा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो पहला जो की कंस्ट्रेंट है, की कंस्ट्रेंट एज ए की एट्रीब्यूट पे ही बताया गया है। तो की कंस्ट्रेंट क्या होता है, जैसा अभी मैंने बताया आपको, जो की होता है की एट्रीब्यूट, उसका मेन मकसद क्या है की का, उस पर्टिकुलर रो टेबल में एक पर्टिकुलर रो को जाके यूनिकली आइडेंटिफाई करना। तो इस और वो यूनिकली आइडेंटिफाई कब कर पाएगा, जब उस की वैल्यू रिपीट ना हो। तो जैसे अभी हम पिछले वाले टेबल में देखा, एम्प्लॉय टेबल में, यहाँ पे की वैल्यू अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ तो इस वाले कॉलम को मैं की नहीं बना पाऊँगा। सपोज 4 दो बार आ रहा है तो उस वाले जो आईडी को मैं की नहीं बना पाऊँगा। क्यों नहीं बना पाऊँगा? क्योंकि अगर फिर मैं बोलता हूँ कि उस वाली कॉल रो पे जाइए जिसकी में आईडी की वैल्यू 4 है, तो ये आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे इस वाली रो पे जाएँ या इससे नीचे वाली रो पे जाएँ, क्योंकि दो की वैल्यू सेम है। तो जो की एट्रीब्यूट होता है, जो की होगी, वो उसकी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, की वैल्यू। तो की वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो एक कंस्टेंट ये हो गया कि एक कंस्टेंट क्या है कि जो वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, जो की बनेगी उसकी जो वैल्यू है वो नल नहीं हो सकती। नल का मतलब है अगर किसी ने ब्लैंक छोड़ रखा है, मतलब वो जो वैल्यू है नल है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो क्योंकि नल का मतलब आप वो किसी चीज़ को सिग्निफाई नहीं कर रहा, किसी चीज़ को पर्टिकुलर पॉइंट आउट नहीं कर रहा। तो अगर ये आईडी नल रख दिया तो आप इस और इसको मैंने की बना दिया तो इस वाले रो को कभी एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो की होता है वो एक तो उसकी जो वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए, यूनिक का मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए, प्लस नॉट नल होनी चाहिए, मतलब वो जो वैल्यू है की वो नल नहीं हो सकती। तो की कंस्टेंट यही बताता है कि प्रत्येक टेबल में एक या एक से ज़्यादा जो एट्रीब्यूट हैं वो टेबल से फेच करना है। तो की कंस्ट्रेंट ये बता रहा है कि जो पहला तो कि की एट्रीब्यूट है नल नहीं होना चाहिए, और जो दो रो की वैल्यू है और डेटा की वो सेम नहीं हो सकती। तो जैसे एम्प्लॉय टेबल में बताया कि जो एट्रीब्यूट आईडी थी वो एम्प्लॉय को फेच करने के काम में आ रही है, तो कोई भी जो आईडी की जो वैल्यू है
वो एक तो नल नहीं होनी चाहिए, और उसके अलावा जो एवरी रो में जो उसकी आईडी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए। तो ये आपके क्या हो गया, की के कंस्ट्रेंट हो गए। इसके बाद आता है डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन मतलब कॉलम लेवल पे जो भी कंस्ट्रेंट लगा रखे हैं, तो कॉलम लेवल पे कंस्ट्रेंट कि उस कॉलम में पर्टिकुलर कैसी वैल्यू आ सकती है। तो जैसे अभी एग्जांपल बताया कि अपने जो कॉलम थे एक आईडी था, तो आईडी पे मैंने कंस्ट्रेंट एक लगा दिया कि आईडी केवल और केवल दो डिजिट की हो सकती है, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट लगा दिया, या केवल नंबर हो सकती है, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट लगा दिया। सपोज़ उस टेबल में एक एट्रीब्यूट है जो है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर पे एक चेक लगा दिया, मोबाइल नंबर पे एक चेक लगा दिया कि मोबाइल जो नंबर है वो केवल 10 डिजिट का होना चाहिए, 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं हो सकता। ईमेल आईडी पे का कोई चेक लगा दिया, ईमेल आईडी एक कॉलम है तो उस पे एक चेक लगा दिया कि @ आना चाहिए, ऐसे डॉट ऐसे करके कुछ आना चाहिए। तो ये सारी जो चेक हैं ये डोमेन लेवल पे लगा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जो डोमेन है उसमें जितनी भी वैल्यू स्टोर होंगी वो इन चेक को फुलफिल करनी चाहिए। तो डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है, ऐसे कंस्ट्रेंट जो पर्टिकुलर उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं कि इस एट्रीब्यूट में जितनी भी वैल्यू आएंगी वो इस डोमेन के जितने कंस्ट्रेंट हैं उनको फुलफिल करेंगी। अगर वो फुलफिल नहीं कर रही हैं तो वो उस डोमेन में उस पर्टिकुलर टेबल में स्टोर नहीं हो सकते। तो एग्जाम्पल के लिए वापस उस टेबल पर अगर देखें कि अगर मैंने ये जो आईडी है कॉलम है इस पर मैंने चेक लगा दिया कि केवल नंबर आ सकते हैं, ऐसा कुछ चेक लगा दिया, तो इसमें इस वाले कॉलम में मैं ए करके वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, बी सी ऐसे जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये स्टोर नहीं कर सकता। तो ऐसे जो चेक हैं ये डोमेन लेवल पे लगा दिए। डोमेन लेवल पे क्यों करने का क्या मतलब है कि इस पर्टिकुलर जो पूरा जो डोमेन है एट्रीब्यूट है इसमें जो वैल्यू है वो जो डोमेन कंस्ट्रेंट है इस पे जो लगाए हुए हैं उसको फुलफिल करनी चाहिए। अगर वो फुलफिल नहीं कर रही है तो वो इस टेबल में स्टोर नहीं होगी। तो ये हो गया डोमेन लेवल कंस्ट्रेंट। इसके बाद जो था वो रहता रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में उससे पहले हमको फॉरेन की कंस्ट्रेंट समझ में ना आना चाहिए कि फॉरेन की क्या होती है, दो रिलेशन के बीच में कैसे वो आपस में यूज़ होती है। तो वो फॉरेन की हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके बाद उस डोमेन जो कंस्ट्रेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो होप ये आपको जो RDBMS के कंसेप्ट हैं, टेबल हैं, टपल क्या होती है, रो क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, की कॉलम कैसे डिसाइड करेंगे, की कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, ये सब आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।